नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं प्रशांत शर्मा। 9 नवंबर मंगलवार के दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 नवंबर से खेले जाने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का चुनाव किया गया है, जिसमें रोहित शर्मा को भारतीय कप्तान नियुक्त किया गया है। इस श्रृंखला से पहले कई चर्चाएं की गई थी और कई खिलाड़ियों के नाम सामने आए थे जिन्हें इस बार न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका मिल सकता है। हालांकि टीम के चुनाव से किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं देखी गई है, क्योंकि इस टीम में उन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जिन्होंने IPL 14 में अच्छा प्रदर्शन किया था। बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़, वेंकटेश अय्यर, हर्षल पटेल और आवेश खान को मौका मिला है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें इस बार भारतीय टीम में जगह दी गई है और साथ ही साथ अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए इन चारों खिलाड़ियों पर भी नज़र रखी जाएगी। आपको बता दें कि IPL के बाद से ही इन्हें चार नए चेहरों के साथ आगे जाने की बात चल रही थी, जो कि टीम में एक नया बदलाव ला सकते हैं। ऋतुराज, जिन्होंने इस IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की थी, उनसे उम्मीदें रहेंगी कि वो आने वाले समय में भारत का मध्य क्रम संभाल सके। वहीं वेंकटेश अय्यर को इस टीम में बतौर ऑलराउंडर के तौर पर जगह दी गई है, जो भारत के लिए छठे गेंदबाज के रूप में विकल्प बन सकते हैं और जो एक हार्ड हिटर बल्लेबाज भी हो। इसी के साथ आवेश खान और हर्षल पटेल भारत के लिए तेज गेंदबाजी को मजबूत कर सकते हैं। दोनों गेंदबाजों ने इस साल IPL में अपनी गेंदबाजी से कई मैच पलट दिए थे, तो दोनों गेंदबाजों से भारतीय टीम के लिए भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। तो ये थे वो चार खिलाड़ी जिन्हें आगामी न्यूजीलैंड श्रृंखला में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये खिलाड़ी वैसा ही प्रदर्शन करते हैं जैसा इन्होंने IPL में किया था, या फिर राष्ट्रीय टीम का दबाव इन खिलाड़ियों पर भारी पड़ेगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।